सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए पहुंचे स्वयं हनुमान। जिसने भी देखा वो हो गया हैरान। हनुमान भगवान सबसे शक्तिशाली और दयालु भगवान माने जाते हैं, जो अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो क्या हुआ जब खदान में बनी सुरंग में फंस गए मजदूर, तब उनकी समस्या को सुलझाने के लिए आए स्वयं हनुमान। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनोज भिलाई में एक बॉक्साइट की फैक्ट्री में काम करता था और अक्सर वो खदानों में सुरंग बनाकर बॉक्साइट निकालकर लाया करते थे। इतने जोखिम भरे काम के बावजूद फैक्ट्री में उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। मजदूरों ने कई बार इसकी शिकायत फैक्ट्री के आला अफसरों से की थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मनोज को फैक्ट्री के अफसरों से ज्यादा भगवान हनुमान पर विश्वास था। उसे पूरा भरोसा था कि हनुमान जी के होते हुए उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। यही कारण था कि वो रोज अपनी जान जोखिम में डालकर खदानों में काम करने जाता था। हनुमान जयंती का दिन था और मनोज ने सुबह घर में हनुमान जी की विधिवत पूजा की, उन्हें भोग लगाया और फिर फैक्ट्री की ओर रवाना हुआ। वहां जाकर उन्हें सुरंग में जाने का हुक्म मिला। अपने साधारण से सुरक्षा इंतजाम लेकर मजदूर सुरंग में दाखिल हुए। उन्होंने कमर तोड़ मेहनत करके खूब सारा बॉक्साइट इकट्ठा किया, पर जैसे ही वो उसे ऊपर ले जाने लगे, एक जोर के झटके से पूरी जमीन हिल गई। भूकंप के झटके से धरती दहल गई और जमीन के खिसकने से मिट्टी, पत्थर, चट्टाने सब अंदर आकर गिरने लगे, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे और मजदूर इधर उधर भागने लगे। पानी की पाइपलाइन फट गई और सुरंग में पानी जाने लगा। अब सबकी धड़कन तेज हो गई और किसी को समझ नहीं आ रहा था। सबको लगने लगा था कि अब उनकी मौत निश्चित है। मनोज भी एक पल को बहुत डर गया था, लेकिन उसने फिर भगवान हनुमान को याद किया और सोचा कि अभी इस वक्त डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। उसने बाकी मजदूरों की मदद करनी शुरू कर दी। इसी बीच पानी के तेज प्रवाह से वो दीवार से टकरा गया और तभी एक चट्टान लुढ़कता हुआ आया और उसके पैरों पर चढ़ गया। अब मनोज असहनीय पीड़ा में था और हिल भी नहीं पा रहा था, और इधर सुरंग में पानी भरने लगा। अब मनोज ने हनुमान को याद करते हुए कहा कि हे बजरंगबली, अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है, मेरी रक्षा करो प्रभु। वो ऐसा कह ही रहा था तभी उसे एक आवाज आई। जोर से किसी ने चट्टान सरकाई और भीतर दाखिल हो गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति हवा में ऐसे कूद रहा था जैसे उसके शरीर में कोई हड्डी ही ना हो। व्यक्ति ने एक साथ चार लोगों को अपने कंधे पर रखा और फिर ऐसी छलांग लगाई कि एक झटके में वो कूद कर ऊपर पहुंच गया। ऐसे करके वो आदमी बार बार आया और सभी लोगों को अकेले ही ऊपर ले आया, लेकिन मनोज चट्टान में फंसा पड़ा था। आदमी ने एक धक्का मारा और चट्टान सरक गई, फिर उसे भी उठाकर ऊपर ले आया। मनोज दर्द से कराह रहा था, लेकिन आसपास कोई अस्पताल नहीं था। आदमी ने उसके पैरों को छू दिया और फिर वहां से चला गया। किसी को पता नहीं चला कि वो कहां से आया था और कहां चला गया। कुछ देर में सभी मजदूरों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सही सलामत पाया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बचाने वाला आदमी आखिर कौन था। मनोज को एहसास हुआ कि उसका दर्द जा चुका है, मान लो वो कभी पीड़ा में था ही नहीं। फिर किसी ने ये देखा कि सबके हाथों में जय श्री राम की छाप पड़ी हुई है। अब सब समझ गए थे कि ये कोई और नहीं श्री हनुमान जी की कृपा थी, जिसकी बदौलत आज वो सही सलामत जिंदा बचे हैं। सबने हनुमान जी को याद करके जय बजरंगबली का नारा लगाया। ठीक होने के बाद सबने भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया किया। इस तरह हनुमान जी ने खदानों में फंसे मजदूरों की जान बचाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हनुमान जी के चमत्कारों के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय बजरंगबली।